हेलो एवरीवन, एनटीए चाचा से मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपको कैसे पता चला कि 6-7 सेंटर पे 6 स्टेट में टाइम लॉस हुआ है? क्योंकि आपने तो 5 मई को शाम को बोला था कि सवाई माधेपुर को छोड़ करके कहीं पे टाइम लॉस नहीं हुआ है, सब जगह पेपर एकदम सेम तरीके से हुआ है, कोई इरेगुलरिटीज नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चों ने केस किया। अब बच्चों ने केस किया जवाब मांगने के लिए आपसे कि ये गलत हुआ है, तो आपने मन में डिसाइड कर लिया कि हम ग्रेस मार्क दे देंगे उनको चुप करने के लिए। यह बात आपको पहले पब्लिकली बताना चाहिए था। और यह बात अगर आपको ग्रेस मार्क देना था तो आपको सबसे पूछना चाहिए था कि पूरे इंडिया में 10,000 से ज्यादा सेंटर है, कहां कहां पे टाइम लॉस हुआ है, कहां कहां पे कुछ गड़बड़ियां हुई है, इरेगुलरिटीज हुई है, सबको हम जस्टिफाई करेंगे। अब जिसके पास पैसा था, जिसके पास नॉलेज था, जो कर सकता था कर दिया। बेचारा गरीब परिवार, गरीब फैमिली, गरीब स्टूडेंट तो कोई कंप्लेन कर नहीं पाएगा, उसको सपना तो नहीं आ रहा है कि कंप्लेन करने से ग्रेस मार्क मिलेंगे। आपके 10,000 से ज्यादा सेंटर होंगे, हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई है आपके। आपने बताया लोगों को कि हम ग्रेस मार्क देने वाले, आप कंप्लेन करो, कंप्लेन करते आप सीसीटीवी से चेक करते ग्रेस मार्क देते, मतलब कितना बड़ा ब्लंडर किया आपने साहब। और थर्ड डे का जो विंडो खोला था वो स्पेशल था, क्योंकि दो बार में तो बहुत स्पेंट आ गए थे। कौन बच गया था चाचा? वो किसके स्पेशल रिक्वेस्ट पे खोला था चाचा, बताए ना, किसके स्पेशल रिक्वेस्ट पे खोला था थर्ड डे वाला? अरे चाचा गड़बड़ है ना, और अपने मन में सोच लिया ग्रेस मार्क देंगे, बता तो देते तो लाखों बच्चे कंप्लेन करते और सबका सीसीटीवी चेक करके आपको पता चल जाता कि आप नहीं करा पाए एग्जाम ढंग से। धन्यवाद।